सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं गांव में भैया के साथ, अपने नानी के यहाँ आया। और यहाँ पे आने के बाद तो पिछले बार ऐसा तो इधर पूरा पानी जमा हुआ था इन खेतों में, और उस तरफ है सामने उस तरफ, तो अब खेत में है और यहाँ भैया कुछ दिखाएंगे। सो गाइस इनसे मिलिए, ये है मुंटन भैया। नहीं हम नहीं है। कैसा लग रहा है रमत यहाँ आने के बाद? बिहार में पहली बार बिहार में आया। आप बोलिए कुछ। पहले बोलते हैं ना नोट तैयार कर रखते हैं। तो गाइस भैया यहाँ गड्ढा दिखाएंगे। गड्ढा मतलब सीरियसली इतना दूर आए हम लोग गड्ढा देखने के लिए। ज्यादा वर्षा होता है ना तो ग्राउंड में पानी जम जाता है, इधर इधर दौड़ लेता है। इसमें पूरा में पानी जमा था इस पूरा हाँ ये भी इसके ऊपर से नाव चलता था सोच ले। सो गाइस पीछे जो दिख रहा है ये है चिमनी, इसमें ईंट बनता है, जो जिससे घर बनता है वो ईंट इसी ऐसे ही चिमनी में बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारा चिमनी है, तो ये खाली है, यहाँ बंद पड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसका पास आए। वैसे तो गर्मी होता है बहुत ज़्यादा इसके आसपास, क्योंकि हमेशा आग जलते रहता है इसके अंदर। तो गाइस हम लोग यहाँ रुके हैं पुल पे, और ये एक नहर है नहर है, ये इसमें जो पानी है वो जब सूखा पड़ता है तो गंगा नदी से पानी आता है। अच्छा उधर बढ़ जाता है जब पानी गंगा नदी में, तो उधर से इधर आ जाता है कम करने के लिए इधर, और इधर खेती भी हो जाता है ना सिंचाई का, नहीं। सिंचाई के लिए काम आता है, दस जाता है उससे। ओ भाई तो ये तो आपदा है। मजा है बहुत ज़्यादा, लेकिन सोए नहीं बिल्कुल भी। इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मैं जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।